हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ 13 रजब मनकबर 2021 सुभान अल्लाह मेरे मौला बाय अमीर हसन आमिर। ठीक है, अमीर हसन आमिर इंडिया के मनकबत खवाने नुहा खवाने बहुत फेमस है, तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेके। एंड आई थिंक ये मनकबत कल ही आया है, ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया के नुहा खवाने, मनकबत खवाने अपने इंडिया के, देखना बनता है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अमीर हसन आमिर रिकॉर्ड्स। सुभान अल्लाह। तेरी अजमत का क्या कहना, चांद और तारे सुभान अल्लाह बड़े ही फख्र से सारे सुभान अल्लाह ये जिन्नो इंस बेचारे कलामे पाक के पारे सुनाते हैं तेरा शजरा ताजा सुभान अल्लाह रुखे इस्लाम का गाजा सुभान अल्लाह न था खैबर को अंदाजा के टूटेगा ये दरवाजा अली ने कर दिया ऐसा चुनीदा है सुभान अल्लाह फजीलत सर खमीदा है सुभान अल्लाह मुकम्मल एक कसीदा है खुदा ने खुद खरीदा है शबे हिजरत तेरा सोना की मंजिल है सुभान अल्लाह खुदा की तरह आदिल है सुभान अल्लाह फजाइल लिखना मुश्किल है अली कुरान का दिल है बताता है ये हर सूरा आस्तानों पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वलियों के ठिकानों पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरिश्तों की जुबानों पर मुसलसल आसमानों पर है तेरे नाम का चर्चा के मौके पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुई दीवार का बादल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सितारा उतरा तेरे घर बना दामाद पैगंबर दिए हक ने शरफ क्या क्या सुभान अल्लाह मेरे मौला जज़ाकल्लाह मेरे मौला सुभान अल्लाह मेरे मौला जज़ाकल्लाह मेरे मौला व तेरी ज़र्बकारी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो सब सजदों पर भारी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नजर हक ने उतारी
रिसालत खुद पुकारी है, नहीं ऐसा कोई बंदा। अगर तुझसे पलट जाए रगे ईमान कट जाए, जहां बिदअत से हट जाए, जो तेरा नाम हट जाए, मुकम्मल ही नहीं कलमा। तुम्हें किस बात का है डर? है खुश अल्लाह पैगंबर, जहां में आमिर अख्तर, हमेशा फख्र से कहना। कहना पड़ेगा बहुत जबरदस्त, ये वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लिखा है। जब भी मैंने इनके वीडियो देखा है, ये इनकी वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत 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 सुकून भरा, बहुत प्यारा ये कलाम था आमिर हसन आमिर साहब का। अख्तर कोई अख्तर है उन्होंने इस कलाम को लिखा है, लिटरली बहुत जबरदस्त था यार। फुल वीडियो प्रेजेंटेशन इसकी बहुत प्यारी थी, स्टार्टिंग से लिख के तुमने देखा क्रिएटिविटी यार कितना प्यारा इसे बनाया गया स्टार्टिंग से लास्ट तक के। फुल मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ चल रही थी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह ये बिल्कुल कॉमन था, मेरे मौला सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह ये फुल कॉमन था। एंड मौला अली अलैहिस्सलाम की फुल तारीफ चल रही थी, काबे को किबला बनाया, बहुत सारी जगह हुई है आमद मौला अलैहिस्सलाम की, एक तरह से विलादत का टाइम है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। तो ये मतलब इस तरह के मनकबत तो बनने ही बनने हैं। एंड आमिर हसन आमिर साहब को मैंने पहले भी सुना, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हिंदुस्तान की। मुझे लाइक बहुत कम जिसे कहते हैं मनकबत खान के बारे में पता है, लेकिन मैंने इनको बहुत ज़्यादा सुना है, ठीक है। ज़्यादातर मैं पाकिस्तान की मैंने देखे जो बहुत टॉप के मनकबत खान है, लेकिन एक मैं कहता हूँ कि अपना एक खुद का एक मनकबत खान है जो हिंदुस्तान का बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है लिटरली। एंड बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, अपने देश का एक अपना मनकबत खान है तो बहुत सही लगता है लिटरली, ठीक है। बहुत प्यारा ये कलाम, सच बता रहा हूँ, अख्तर साहब ने बहुत प्यारा लिखा। आज़ादारी चिटोरा इनके वीडियो को बनाता है, मैंने उनके वीडियो पर भी रिएक्शन करा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। इतना ही मैं कहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा लीडर नहीं था पूरी दुनिया, एक तरह से वो क्या कहते हैं कुरान जो है ना, कुरान की एक तरह से वो दिल है, अगर दिल नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं लिटरली उस चीज़ का, ठीक है। तो मोहब्बत रखो दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम के प्रति, मैं खुद रखता हूँ बिकॉज मुझे खुद पसंद है जो अहले बैत कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, चाहे इमाम हुसैन हो या फिर मौला अब्बास हो, मौला अली खुद हो बंदा, बिकॉज ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं था यार, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। ये सिर्फ इस्लाम के लिए, एक तरह से इस्लाम के लिए नहीं है ये सब लोग, जो असली मुसलमान लोग सिर्फ लाइक उनके लिए नहीं है, ये पूरे इंसानियत के लिए लिटरली। तुम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करोगे, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं था लिटरली, ठीक है, वो एक तरह से इंसानियत के लिए लड़ाई थी, एंड वहाँ पे वो उनकी जीत हुई थी, ठीक है। उन्होंने एक तरह से खुद का सर कटा के वहाँ पे जीत हासिल करी थी, ना लड़ते हुए भी वो जीता था उन्होंने उस जंग को। सो या दैट्स इट, मैं अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है।
वीडियो खत्म करते हैं। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज जाके चेक कर लेना। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर, तो सपोर्ट करना बनता ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। पीस आउट।